हेलो एवरी वन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल सो दिस इज़ अनदर लेक्चर इन आर सीरीज़ ऑफ़ एम एच आई फोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में पर्टिकुलरली आज हम जो देखेंगे हम देखेंगे विजयनगर की विजयनगर एम्पायर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हमारा किंगडम रहा है साउथ इंडिया में राइट मिडिवल इंडिया में तो आज हम इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको विजयनगर स्टेट की नेचर के बारे में बताना है ठीक है तो क्या क्या बातें इसमें आएंगी कौन से हिस्टोरियंस ने क्या बात की है वो आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में अगर हम इग्नू की बात करें तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम्स में कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेजर फीचर्स ऑफ विजयनगर स्टेट ठीक है या फिर नेचर ऑफ विजयनगर स्टेट राइट बाकी ये इग्नू के बिना आपके जो मिडीवल हिस्ट्री है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ठीक है थीके? उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाता है आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो स्टेट सिविल सर्विसेज का जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है ठीक है तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिस्कस इन ब्रीफ मेजर फीचर्स ऑफ विजयनगर स्टेट तो बेसिकली हमें जो है इसमें हमें विजयनगर स्टेट जो थी उसके फीचर्स के बारे में उसके नेचर में के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर थी ठीक है वो आपको पता है साउथ इंडिया में हुई थी फाउंड राइट ठीक है तो इसको जो फाउंड किया था ग्रुप ऑफ फाइव ब्रदर्स ने किया था पांच ब्रदर्स का एक ग्रुप था पांच भाइयों का जिसको कलेक्टिवली संगम्स बोलते थे ठीक है आफ्टर द नेम ऑफ देयर फादर ठीक है उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि, कि जैसे इसको हिंदू किंगडम था ये बहुत ज़्यादा अच्छा उस टाइम पे मिडिवल एज में ठीक है तो हमने लास्ट लेक्चर भी जो देखा था बाहमनी किंगडम पे देखा था हमने देखा था कैसे विजयनगर और बाहमनी किंगडम इनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं राइट आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है बाहमनी किंगडम जो था एक मुस्लिम किंगडम था और जो विजयनगर एम्पायर थी दैट इज़ हिंदू किंगडम तो इसमें जैसे कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स बोलते हैं जैसे रॉबर्ट्स वेल वो बोलते हैं कि जो एमरजेंस हुई है विजयनगर एम्पायर की वो एक तरह से हिंदू रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट मुस्लिम ठीक है हिंदूज जो थे उनकी रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट था विजयनगर एम्पायर अगेंस्ट द मुस्लिम्स ठीक है तो ये रॉबर्ट स्वेल बोलते हैं उसके बाद देखिए जब इसके फीचर्स की बात आती है या नेचर की बात करते हैं हम विजयनगर स्टेट के बारे में तो आपको सबसे पहले एक इसका जो डोमिनेंट फीचर आता है वो आता है नायनकार सिस्टम के बारे में आपने अगर विजयनगर नगर एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो उसमें नायनकार सिस्टम जो है वो आपने पक्का से पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है नायक सिस्टम ये जब हम विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है नायनकारा सिस्टम ठीक है तो इस बेसिकली अभी नायनकारा सिस्टम क्या होता है तो देखिए नायनकारा सिस्टम में बेसिकली क्या होता था कि जो विजयनगर एम्पायर था उसमें जो किंग होता था राइट किंग क्या करता था वो लैंड्स को ग्रांट कर देता था अपने जैसे वॉरियर क्लास हो गई ठीक है नायकास कौन थे वॉरियर क्लास थी ठीक है तो किंग जो होता था वो इनको लैंड्स दे देता था कि हाँ लैंड वगैरह ग्रांट कर दी ठीक है तुम उससे क्या करो तुम उससे जो है तुम्हें जो रेवेन्यू वगैरह क्रिएट होगा ठीक है वो किंग बोलता था कि उसमें से कुछ शेयर मुझे दे दो बाकी तुम रख लो ठीक है वो तुम मिलिट्री वगैरह को मेंटेन करने के लिए ठीक है अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह के लिए तुम रखो ठीक है तो नाइकाज बेसिकली जो है वॉरियर क्लास होती थी ठीक है जिनको किंग जो था वो अपनी लैंड्स वगैरह को ग्रांट करता था और ये नाइक आगे सिमिलर टर्म्स पे जैसे किंग उनको देता था ये आगे कल्टीवेटर्स को टीनेंट्स को उनको दे देता था वो कल्टीवेशन करते थे उसके बदले में वो उनसे टैक्स लेता था ठीक है तो इस तरह से एक नायका सिस्टम चलता था विजयनगर एम्पायर में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फीचर है क्योंकि देखिए विजयनगर एम्पायर को हमेशा एक वॉरियर स्टेट की तरह देखा गया है राइट वॉर स्टेट की तरह मिलिट्री स्टेट की तरह ठीक है इसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी ठीक है आप कृष्णदेव राय के बारे में भी सुना होगा कि उनके टाइम पर भी मिलिट्री अच्छी खासी थी तो इसमें नायकाज का जो रोल बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताते हैं ठीक है तो एक तरह से उनको जो है एक वॉरियर क्लास की तरह देखा गया नाइकास को, ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है ये जो नायंकारा सिस्टम है इसको याद कीजिए आप किससे कंपेयर कर सकते हैं ठीक है आपने अगर हम इग्नू की बात करते हैं आपने एम एच आई वन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा फ्यूडलिज्म का ठीक है सामंतवाद का तो देखिए आप उस इसको उससे कंपेयर कर सकते हैं राइट सामंतवाद में बेसिकली फ्यूडलिज्म में क्या होता था आप एक बार डायग्राम देखिए आपको समझ आ जाएगा तो फ्यूडलिज्म में आपने पढ़ा होगा क्या होता था पहले एक किंग होता था राइट किंग के बाद नोबल्स होते थे नाइट्स वेसल्स होते थे उसके बाद आते थे पीजेंट्स ठीक है एक ऐसे हाइ होती थी इसमें क्या होता था किंग अपनी लैंड जो है नॉबल्स को दे देता था ठीक है नॉबल्स भी जो हैं वो आगे जो है उसका कुछ जैसे लैंड वगैरह जो है ठीक है या प्रोटेक्शन कहते थे वो जो है जो सोल्जर्स को जिसको नाइट्स बोला जाता था उनको देते थे राइट ठीक है और उसके बाद आते थे पीजेंट्स आगे नाइट्स भी जो हैं वो लैंड्स को पीजेंट्स को दे देते थे कि भाई तुम कल्टीवेशन करो तो अब इसके बदले में क्या होता था कि जो पीजेंट्स हैं ठीक है वो फूड सर्विसेज देते थे नाइट्स को नाइट्स जो थे वो प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस देते थे नोबल्स को राइट right? और उसके बाद नोबल्स को जो इनकम होती थी ठीक है पैसा बनता था उसका कुछ शेयर वो किंग को दे देते थे राइट right? और मिलिट्री सर्विस सर्विस वो किंग को दे देते थे इसके बदले में जैसे ये सोल्जर्स होते थे ये प्रोटेक्शन भी देते थे पीजेंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है तो इस तरह से फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट था सामंतवाद का था कि एक राजा हुआ राजा ने कुछ लैंड जो है नॉबल्स को दी ठीक है जो नोबल क्लास होती थी और ये नोबल क्लास क्या करती थी ये लैंड को आगे जो है सोल्जर्स में नाइट्स में दे देती थी ठीक है कि हाँ भाई तुम इससे जो है अपना रेवेन्यू वगैरह जनरेट करो और इसके बदले में मुझे जो है मिलिट्री सर्विस दो ठीक है अपनी अपनी जो है आर्मी वगैरह जो मुझे प्रोटेक्शन चाहिए उसमें से वो फिर आगे किंग को दे देती थी ठीक है और कुछ जो रेवेन्यू का शेयर वो रखते थे नॉबल्स उसमें से कुछ किंग को भी मिलता था और लोएस्ट कौन होते थे पीजेंट्स जो वहाँ पर कल्टिवेशन वगैरह लैंड पे करते थे राइट तो इस तरह से जो है फ्यूडलिज्म होता था अब ये जो नायका सिस्टम है विजयनगर एम्पायर में राइट इसको कंपेयर किया गया है फ्यूडलिज्म के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने उसके बेसिस पे उन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्टेट जो है उसकी विजयनगर एम्पायर जो है ठीक है उसका नेचर बताने की कोशिश की कि विजयनगर स्टेट जो होती थी उसका ये नेचर है ठीक है तो वो अभी हम देखेंगे क्योंकि नायका सिस्टम बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंट फीचर था विजयनगर स्टेट का तो उसके बेसिस पे डिबेट्स हुई हैं स्कॉलर्स के बीच में ठीक है वो हम देखते हैं अच्छे से तो इसमें देखिए क्या होता है अभी तो एक स्कॉलर हुए हैं ठीक है टी वी महालिंगम ये आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है किस कॉलर ने क्या बात की है तो टी वी महालिंगम ने जो है उन्होंने विजयनगर स्टेट को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ नायकार सिस्टम उन्होंने बोला कि हाँ ये एक फ्यूडल स्टेट है जैसे हमने फ्यूडलिज्म की बात की ठीक है अभी हमने देखा था डायग्राम में राइट तो इसी तरह से उसी बेसिस पे ये कहते हैं कि नायकार सिस्टम भी जो है एक फ्यूडल सिस्टम था ठीक है इसी बेस पर वो विजयनगर को फ्यूडल स्टेट बोलते हैं ठीक है वो बोलते हैं कि इसमें भी तो वैसे ही था कि जो है नायकास जो होते थे वो लैंड होल्डर्स होते थे स्टेट के है ना और उनकी जो डिपेंड आ, उनकी जो डि, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस होती थी ठीक है जो नायकास डिपेंड करते थे वो रूलर्स के ऊपर करते थे राइट जो रूलर्स उनको लैंड वगैरह दे रहे हैं वहाँ से उनको अर्निंग होती थी और नायकास जो थे उसी पे डिपेंड करते थे ठीक है तो ये इसीलिए ये बोलते हैं कि ये क्या करते थे किंग्स उनको लैंड देते थे ठीक है और उसी पे वो डिपेंड करते थे इसके बदले में जो है वो आर्मी को मेंटेन करते थे है ना और किंग को जो है असिस्ट करते थे आ, 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 इन द टाइम्स ऑफ नीड राइट तो इसी बेस पे जो है टीवी महालिंगम बोलते हैं कि जो नायका सिस्टम है ये भी तो एक तरह का फ्यूडलिज्म ही है ठीक है इसमें भी जो है आगे नाइकस जो थे वो लैंड को टीनेंट्स को देते थे ठीक है कल्टीवेटर्स को देते थे ठीक है और उसमें भी फ्यूडलिज्म में भी हम देखते हैं कि नाइट्स जो थे ठीक है सोल्जर्स वगैरह वो आगे लैंड किसको देते थे पीजेंट्स को देते थे ठीक है तो इस तरह से बोलते हैं कि ये एक सब इन्फ्यूडेशन है कि एक जो लेवल से दूसरे लेवल पे लैंड को दिया जा रहा है ठीक है तो इस तरह से यूरोपियन फ्यूडलिज्म में भी होता था राइट अभी हमने देखा तो इसलिए ये भी बोलते हैं कि ये जो विजयनगर की स्टेट थी दैट वाज फ्यूडल स्टेट ठीक है बट अभी ये एक बात और भी बोलते हैं अभी आप देखेंगे इसको एक बार दोबारा देखते हैं इसमें हमने अभी बात की थी कि जैसे नाइट्स जो हैं ठीक है ठेके? वो पिजेंट्स को लैंड दे रहे हैं राइट उसके बाद ठीक है पीजेंट्स जो हैं उनको फूड और बाकी जो भी सर्विसेज टैक्सीज वगैरह देते थे ठीक है ऐसा हो रहा था बट इसके बदले में आप देखेंगे नाइट्स इनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं ठीक है इनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं इंपॉर्टेंट बात बट नायका सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं था नाइकर्स क्या करते थे बेसिकली पीजेंट्स को लैंड दे देते दे थे, थे कि भाई तुम इसको कल्टीवेट करो ठीक है उसके बदले में उनसे टैक्सेज वगैरह भी लेते थे ठीक है कोई प्रोटेक्शन वहाँ पर नहीं थी ठीक है तो ये यहाँ पर एक डिफ्रेंस दिखता है और महालिंगम चाहे बोलते हैं कि ये एक फ्यूडलिज्म थी इसमें नायका सिस्टम में फ्यूडलिज्म था बट वो ये भी बोलते हैं कि जो एलिमेंट था सब सर्वियंस का ठीक है वो प्रेजेंट नहीं था आ, आ, सब सर्वियंस का जो सिस्टम था वो नायकार सिस्टम में उस तरह से प्रेजेंट नहीं था जैसे यूरोपियन फ्यूडलिज्म में था क्यों क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन वाला एलिमेंट एबसेंट था ठीक है इसी टर्म्स में जो नूनीज़ बोलते हैं ठीक है थीके? ये बोलते हैं कि हाँ जो टीवी महालिंगम ने बोला कि लोड्स वगैरह से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी वहाँ पे पीजेंट्स को राइट ठीक है नायका सिस्टम में तो एक ये डिफरेंस वो निकालते हैं इसी बात को आगे एक स्कॉलर हुए हैं नूनीस वो क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा होता था विजयनगर स्टेट में कि अगर नायकाज ने जो है कोई बात रूलर की नहीं मानी ठीक है तो उस कंडीशन में उनकी मतलब बहुत बुरी हालत कर दी जाती थी उनकी प्रॉपर्टी ले ली जाती थी ठीक है प्रॉपर्टी वगैरह ले ली जाती थी और वैसे भी उनका बहुत ज़्यादा बुरा किया जाता था राइट ठीक है तो यहाँ पे कोई वो प्रोटेक्शन वाली बात आपको नहीं देखने को मिलेगी ना ही रूलर की तरफ से कोई प्रोटेक्शन होती थी नायकास के लिए आप देखेंगे कृष्णदेव राय के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनके टाइम पर ऐसा हुआ भी है कि उन्होंने नायकाज़ को पनिशमेंट दी है ठीक है जब नाइकस ने उन्हें सोबे किया तो इस तरह से रूलर्स की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं था उसके बाद नाइकस की तरफ से आगे पीजेंट्स वगैरह के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था जो कि यूरोपियन फ्यूडलिज्म में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस बात पे एक ये डिफरेंस निकल के आता है जब हम बोलते हैं कि विजयनगर स्टेट जो थी फ्यूडल स्टेट थी ठीक है उसके बाद अब कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं जैसे नीलकंठ शास्त्री ठीक है उन्होंने अलग तरीके से बताया है उन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक वॉर लाइक स्टेट बताया जैसे हमने बात की थी कि हाँ ये प्रोडक्ट है हिंदू रेजिस्टेंस का अगेंस्ट मुस्लिम्स ठीक है तो इन्होंने यही बोला कि जो हिंदू रूलर्स थे उन्होंने एक जो है वॉर लाइक स्टेट क्रिएट की थी विजयनगर किंगडम के रूप में राइट ठीक है बाकी वो जो महालिंगम टी महालिंगम के व्यूज़ अभी हमने पढ़े रिगार्डिंग फ्यूड उससे भी वो अग्री करते हैं ठीक है उसके बाद जब आ, कुछ स्कॉलर्स आते हैं कुल्का एंड ठीक है और क्या बोलते हैं कि हमें विजयनगर किंगडम में मिलिट्री फ्यूडलिज्म देखने को मिला अब उन्होंने मिलिट्री भी कंबाइन कर दिया क्योंकि नाइकाज की हमने बात की कि नाइकाज खुद ही जो थे उसमें आपको देखें यूरोपन फ्यूडलिज्म में क्या हुआ था आपको अलग अलग स्टेजेस मिलेगी नोबल्स मिलते थे वो आगे लैंड्स नाइट्स को देते थे जो सोल्जर्स होते थे राइट बट यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला कि नाइकस ही वॉरियर क्लास थी और नाइकस ही आगे लैंड को जो है डिस्ट्रीब्यूट करी थी रूलर से लेके राइट ठीक है तो इसीलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने मिलिट्री फ्यूडलिज्म जो है टर्म दिया मिलिट्री फ्यूडलिज्म का विजयनगर स्टेट को डिस्क्राइब करते हुए ठीक है जब उन्होंने नाइका सिस्टम की स्टडी की राइट तो इस तरह से आप ये हिस्टोरियंस याद रखिए किसने क्या बोला था ठीक है उसके बाद अब बर्टन स्टेन करके एक आते हैं अब देखिए ये सारे बोल रहे हैं कि फ्यूडलिज्म था फ्यूडलिज्म था कोई बोल रहा है मिलिट्री फ्यूडलिज्म था ठीक है बट बर्टन स्टेन बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था ठीक है वो फ्यूडल वाली चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं ठीक है थेके? बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते ठीक है क्योंकि वो कहते कोई वही प्रोटेक्शन वगैरह वाली बात तो यहाँ पर थी नहीं ठीक है तो आप क्यों कैसे बोल सकते हैं कोई होमेज वेस्टलेज वाली प्रोटेक्शन वाली बात तो फ्यूडलिज्म के फीचर्स वो मेन फीचर्स हैं वो यहाँ पे एबसेंट थे इसलिए कुछ फ्यूडल कैरेक्टर नहीं था बटन स्ट्रेन बोलते वो और क्या एक नई टर्म निकाल के आते हैं वो आते बोलते हैं कि ये एक सेगमेंट्री स्टेट थी अभी सेगमेंट्री स्टेट क्या होती है फ्रेंड्स सेगमेंट्री स्टेट बेसिकली वो होती है कि जिधर एक आप बता लगा लीजिए एक रिचुअल अथॉरिटी होती है ठीक है जो हम कह देते हैं नाम की अथॉरिटी है किसी के पास ठीक है और एक एक्चुअल अथॉरिटी होती है जैसे आपने मान लीजिए कि किंग है हम कहते हैं किंग तो बस नाम का है ठीक है तो इस उसको बोलते हैं सेगमेंट्री स्टेट ठीक है सेगमेंटेशन डिवाइड हुआ हुआ है पावर राइट right? तो इसी पे बटन क्या बोलते हैं कि जो विजयनगर स्टेट थी वो तो एक सेगमेंट्री स्टेट थी क्योंकि यहाँ पे जो किंग था उसके पास एक रिचुअल अथॉरिटी थी एक रिचुअल सॉवरेनिटी थी ठीक है जबकि जो एक्चुअल सॉवरेनिटी थी वो तो नाइकास के पास थी नाइकास ऑटोनोमस थे ठीक है ठीक है वो इंडिपेंडेंट independent थे इंडिपेंडेंटली वो टैक्सेस वगैरह वो करते थे उन पर बहुत कम कंट्रोल होता था किंग का ठीक है तो इस तरह से ये बोलते हैं रिचुअल सॉवरनिटी और एक्चुअल सॉवरनिटी की बात ठीक है इस बेस पे वो विजयनगर स्टेट को सेगमेंट्री स्टेट की तरह डिस्क्राइब करते हैं बट अभी जैसे हमने कुलके की बात की जिन्होंने इसको मिलिट्री फ्यूडल स्टेट बताया था वो इस व्यू को चैलेंज करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते ठीक है ये आपको याद रखना होगा बाकी उसके बाद ठीक है कुछ हिस्टोरियंस ने इसको सेंट्रलाइज स्टेट बताया विजयनगर को ठीक है साउथ इंडिया की एक अच्छी खासी सेंट्रलाइज स्टेट क्योंकि इस टाइम पे बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी विजयनगर एम्पायर में कि उनकी जो पावर थी ठीक है वो मतलब जो विलेजेस में ठीक है विलेजेस में अर्बन एरियाज़ पे सब जगह जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो अच्छे से वर्क कर रहे थे सेंटर की सुनी जाती थी ठीक है सेंटर का अच्छा खासा कंट्रोल था ठीक है चाहे आप विलेजेस में देखें चाहे आप अर्बन एरियाज़ में देखें ठीक है वहाँ पे लोकल गवर्नर्स जो थे सेंट्रल सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लोकल गवर्नर्स वहाँ पे वर्क करते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ठीक है उन्हीं के द्वारा जो है विलेजेस में और अर्बन एरियाज़ में अपने अपने जो हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर्स अपॉइंट होते थे और वो अच्छे खासा मतलब सेंटर की सुनते थे तो इसलिए इसको एक सेंट्रलाइज स्टेट की तरह भी देखा गया कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा ठीक है उसके बाद एक जो आता है मार्शियल नेचर वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है मार्शियल मतलब कैसे मिलिट्री नेचर वॉरियर नेचर ठीक है नाइका के सिस्टम पे नायका सिस्टम के बेस पे विजयनगर एम्पायर को वो तो डिस्क्राइब किया ही गया है उसके बाद बोला गया कि कैसे इनकी मिलिट्री पावर के कारण जो है बाहमनी किंगडम टूट गया था राइट हमने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस किया था जब हम बाहमनी किंगडम का फॉल देखते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीज़न्स ठीक है क्या था बहमनी किंगडम के फॉल के रिस्पॉन्सिबल uh, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ठीक है विद विजयनगर एम्पायर विजयनगर एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम था ये जो नाइक थे ठीक है ये मिलिट्री वाइज इनको बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ठीक है इसीलिए जो है बहमनी किंगडम इनसे हार जाता है और बाद में हमने देखा था वो फाइव पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है राइट तो इसीलिए इसको बोला गया कि ये अपनी इसकी पावरफुल मिलिट्री माइट के कारण जो है इसको मार्शल uh, नेचर इसकी डिस्क्राइब की गई हिस्टोरियंस के द्वारा ठीक है और एक फिर हिस्टोरियन होते हैं के शास्त्री वो इसको मिलिट्री कॉन्फेडरेसी की तरह भी देखते हैं कि हाँ अलग अलग जो हैं कंबाइन uh, हो होके पावर्स जो हैं ऐसा एक जैसे हम बोलते हैं कॉन्फेडरेसी में कैसे होता है कि छोटे छोटे पावर्स इकट्ठा होकर ठीक है एक कोई बड़ा लीडर है उसके अंडर तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ विजयनगर एम्पायर में एक मिलिट्री कॉन्फेडरेसी थी ठीक है तो के शास्त्री ऐसा बताते हैं अभी आपने देखा कि हमने कैसे इसकी नेचर को डिस्क्राइब किया बेस्ड ऑन नायकार सिस्टम कोई फ्यूडलिज्म की बात कर रहा है कोई सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कोई मिलिट्री स्टेट की बात कर रहा है राइट तो आपको अगर क्वेश्चन आता है इसके फीचर्स डिस्क्राइब करने का इसकी नेचर डिस्क्राइब करने का तो वहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा ठीक है बाकी आप यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड नाइकार सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जैसे हमने अभी डिफरेंसेज देखे थे ठीक है तो ये हमने अच्छे से टॉपिक डिस्कस किया नेचर ऑफ़ विजयनगर स्टेट राइट आगे हम जो है और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एम एच के कवर करेंगे आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो भी हम सीरीज़ जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ठीक है अभी एम एच आई फोर के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं एम एच आई वन के हो रहे हैं एम एच आई फाइव के हो रहे हैं ठीक है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे ठीक है बाकी आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं कोई भी आपके जो अगर आपने कुछ पूछना है ठीक है कोई फीडबैक्स देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ठीक है फेसबुक फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन थैंक यू बाय